क्रिप्टो कैफे में सन्नाटा है। जोरदार बहसें लंबे वक्त से बंद हैं। क्रिप्टो कूल कार्तिक को तगड़ा नुकसान हुआ है। आजकल वो कैफे में तब आता है जब रसिक भाई नहीं होते। खैर, मजे में तो रसिक भाई भी नहीं है। रोज बाजार गिरता है तो घाव सहलाते हैं, बचते रहते हैं कि कोई फिरकी लेने वाला न मिल जाए। लेकिन बीते हफ्ते कार्तिक और रसिक एक साथ ही कैफे पहुंच गए। बाजार गिर रहा है तो रसिक भाई का मूड खराब था, सोचा ठंडी कॉफी पी ली जाए। और कार्तिक किसी ग्लोबल निवेशक से फोन पर बतियाता हुआ कैफे में आ गया। रसिक और कार्तिक एक दूसरे के कट्टर विरोधी, लेकिन वक्त की मार से दोनों ही नुकसान में। कौन किसके आंसू पोंछे? अब मिल गए तो बतियाना भी जरूरी था। अरे कार्तिक, कहाँ रहते हो भाई? आजकल तो तुम बड़ा सुर्खियों में हो। क्रिप्टो को तो पंख लग गए, सोना बरस रहा है। अरे क्या अंकल, आप कॉफी पीने आए हो तो पियो। अरे मेरा जी क्यों जला रहे हो भाई? अरे मेरे क्रिप्टो कप्तान, मेरी बात पर अगर देते ध्यान तो नहीं होता ये हाल। बड़े साइंस समझा रहे थे, अब सब ढह गया ना। बिटकॉइन 21,000 के नीचे चला गया तुम्हारा। हाँ, क्रिप्टो मार्केट गिर गया। अरे मेरा पैसा था, तुम्हें क्यों दर्द हो रहा है भाई? अरे झुंझलाओ मत ना ब्लॉकचेन बहादुर, ठंडी वाली हेजलनट कॉफी मंगवाई है तुम्हारे लिए। पहले पी लो, फिर चैन से बात करेंगे। तुम्हारी कॉफी कैन इन्वेस्टिंग का क्या हुआ? बिग बुल के बगुले उड़ गए ना। शेयर बाजार का हाल देखकर रोना आ रहा है हमें। पोर्टफोलियो 25% माइनस में है या 50%? अरे सुन लो, ऐसा है, पैसा लगाने के मामले में तुम अभी नौ सीखिए ही हो। लड़कपन गया ना तुम्हारा, कमाई चवन्नी ना है और बाप की रकम क्रिप्टो में डुबो दी। अच्छा, तुम्हें कैसे पता है कमाया नहीं है? और सुनो, ये पैसे जो है ना, मैंने पिछली नौकरी में बचाया था, घर का नहीं है। तुम तो अपने साथ औरों का भी पैसा ले डूबे। सुना है इचल करंजी वाली आंटी का पैसा भी लगा दिया था अब तुमने। अरे अब क्या रिटर्न दोगे उन्हें? अरे यार, रूस यूक्रेन की जंग, अमेरिका की महंगाई, ब्याज दरों में तेजी, ये तमाम फैक्टर दिखते नहीं क्या तुम्हें? एक बार जंग को रुक जान दो, बाजार कुलाचे भरेगा और मेरा भी पैसा सेफ है और बाकी सबका भी। तो मैं भी कह सकता हूँ, क्रिप्टो फिर चमकेगा, घबराओ मत। गैर जरूरी सट्टेबाज बाजार से बाहर जाएंगे, कुछ कमजोर कॉइन डूबेंगे भी और क्रिप्टो धमाकेदार वापसी करेगा। अरे कार्तिक, तुम मुंगेरी लाल के स्कूल में पढ़े थे क्या? अरे यहाँ क्रिप्टो का मार्केट कैप पहली दफा $1,00,000 के नीचे चला गया। और तो और, इसे फंडिंग करने वाले सेल्सियस प्लेटफार्म के भी घोड़े खुल गए। मतलब तुम्हारा तो बैंक ही डूब गया, लेकिन तुम तो बेटा उम्मीदों के गुब्बारे उड़ा रहे हो। अरे तो क्या हुआ, तुम्हारे शेयर बाजार में बड़े बड़े करेक्शन आए हैं, तो क्या सब खत्म हो गया? अरे फिर वापसी हुई ना? अरे ये इक्विटी तो दुनिया की ताकत है बेटे, ये कोई हवा हवाई कंप्यूटरी कॉइन थोड़ी है। देख रही ताकत, अमेरिका का शेयर बाजार बेयर जोन में पहुंच गया, भारत में बैंक निफ्टी मंदी के जोन में है, मिड कैप कटी हुई फसल की तरह ये ऐसे ही बिखरा पड़ा है। अरे हमें ज्ञान दे रहे हो तुम। अरे तो क्या हो गया, मजबूत स्टॉक हमेशा मजबूत रहते हैं बेटे, बाजार का मिजाज है, सही हो जाएगा। तो मैं भी कहूँ कि स्टेबल कॉइन में कुछ नहीं होना, इनके पीछे डॉलर खड़ा है। अजी हाँ, वो तुम्हारे लूना टेरा का क्या हुआ? जीरो पे पहुंच गई कीमत, पता है? कहा ना, जैसे तुम्हारे बाजार में सभी स्टॉक HDFC या रिलायंस नहीं होते, वैसे यहाँ भी है। सुना है विदेशी निवेशक सूटकेस समेट रहे हैं, अब बाजार ना चलने का। सुना LIC तुम्हारा बहुत माल पी गया है? अरे तुम ना समझोगे, बाजार में देसी निवेशक पीछे खड़े हैं। ब्याज दरों का मामला ठीक हो जाएगा तो विदेशी पूंजी आ जाएगी, कमाई कहीं जाएगी नहीं। चच्चा बातें मत बनाओ, अरे तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि दिल कितना टूटा है। तुम्हें बाजार से निकलने का मौका भी नहीं मिला, बड़े वाले मुनाफा कूट कर चले भी गए और तुम रह गए कहते हुए मेरे विदेशी निवेशक आएंगे, अरे जरूर आएंगे। क्रिप्टो प्लेटफॉर्म बेचने पर रोक लगा देते हैं, तुम्हारा तो सब डूब गया बेटे। अरे मैं ना बहुत रिसर्च करके निवेश करता हूँ, मुनाफे पर बैठा हूँ, तुम्हारी तरह नहीं व्हाट्सएप पे बताए शेयर खरीद डाले हैं। अरे क्या कार्तिक, दुनिया के सबसे भरोसेमंद बाजार की तुलना तुम एक पूंजी स्कीम से कर रहे हो यार।
ऐसा है, पोंजी ना कहो क्रिप्टो को, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। अरे बाकी सब ठीक है, लेकिन ये भविष्य है, भविष्य। हाँ, यही कहकर तो अब लोगों को झांसा दिया था, बड़ा बड़ा प्रचार किया था, अब क्या बचा? 1 रुपया भी प्रॉफिट होगा तो 30 पैसे तो टैक्स के लग जाएंगे। क्रिप्टो की दुनिया खत्म हो गई बच्चे, सुन ले, तेरा खिलौना गया टूट मेरे बबुआ। चचा इतना भी ना इतराओ, नुकसान तुम्हें भी बहुत हुआ है। सिद्धार्थ के अकाउंट से बिटकॉइन में पैसा लगाया था ना तुमने भी, और अब यहाँ प्रवचन दे रहे हो, वाह जी वाह। क्या क्या कैसे पता चला तुम्हें भाई? बात क्या है ना चचा, पैंट फटी हो तो हाथ से नहीं छिपती। अरे हिम्मत से मानो, हाँ हुआ है नुकसान। अरे हाँ 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 ठीक है, लेकिन मैंने स्टॉक बिटकॉइन से स्क्वायर कर लिया था। अरे तुम तो 0 हो गए। हाँ, ज्ञान बढ़ाने वाली कॉफी और चतुराई की कुकीज तुम्ही ने तो खाई अकेले, बाकी तो हम सब तबावड़ा में है। अच्छा लेकिन ये बता, मेरी क्रिप्टो होल्डिंग के बारे में तुझे बताया किसने? अरे रहने दो चचा, दोहरे नुकसान में हो, कॉफी के पैसे देकर निकल लो। और हाँ, वो बाजार टूटे या बढ़े, इचल करंजी वाली चाची का रिटर्न देने में गफलत ना करना, नहीं तो पूरे खानदान में तुम्हारी बिग बुल वाली साख की लंका लगा देंगी वो। क्या कह रहे हो यार, हैं कुछ भी हैं क्या? और क्या, हा 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 हा।